हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज बच्चों के मार्क्स बनाना सिखाऊंगी। आप बच्चों के मार्क्स बनाएं तो कैसे नापे, चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए, आप यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखिएगा यहाँ, और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक तीन आ रहा है। तो हम ऐसे ही कपड़े पे भी यही नाप लेंगे, इससे थोड़ा ज़्यादा लेंगे ताकि वो सिलाई में आधा चले जाएगा। देखिए, मैंने एक प्लेट लिया है, ये इसको, अब ये देखिए इसका बीच ये है। मैं इसको तीन, अपने बेटे का मैं नापी थी 3 इंच, यहाँ पे भी ये देखिए 3 इंच, 3 इंच से हम आधा इंच ज़्यादा लेंगे, इसमें सिलाई में आधा चला जाएगा। इसी नाप से हम कपड़े पर रखकर काटेंगे, ठीक है। देखिए ये कपड़ा है, अब ये प्लेट रखकर इसके चारों तरफ हम देखिए चौक से निशान लगाएंगे और इसको सर्किल टाइप का करेंगे, उससे काटेंगे। आप बच्चे के लिए बना रहे, बच्चे को तो ज़्यादा सुरक्षित है, हम बड़े तो जैसे भी चले जाते, भाई बच्चे के लिए बहुत सुरक्षित है मास्क, इसलिए इसलिए हमें मास्क बनाना बहुत ज़रूरी है। आप बहुत हल्के कपड़े के मास्क बनाएं जिससे बच्चों को ज़्यादा घुटन ना हो, वो घुटन की महसूस ना करें। देखिए ये राउंड हो गया, अब इसके चारों तरफ हम कट करेंगे, फिर इसको सिलाई करेंगे। देखिए ये कट गया, अब मैं इसको फोल्ड कर कर बताती हूँ। देखिए 3 इंच ऐसे, देखिए ये 3 इंच है, यहाँ है 3 इंच, और ये 1 इंच हम ज़्यादा ले रहे हैं, 1 इंच लें चाहे आधा इंच लें, क्योंकि हमारी ये सिलाई में चले जाएगी ये, ठीक है। इसको हम ऐसे ही फोल्ड करेंगे ऐसे, और इसके चारों तरफ हम सिलाई करेंगे ऐसे। देखिए अब सिलाई करते हैं। देखिए ये सिलाई यहाँ पे करेंगे हम, तो हमें ना यहाँ पे 1 इंच सिलाई नहीं करना है, फिर उसके बाद फिर इस राउंड से हमें सिलाई करना है, क्योंकि हमें इसे पलटना है इससे, इसीलिए हम 1 इंच यहाँ पे सिलाई नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे 1 इंच सिलाई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये सिलाई हो चुका है। ये देखिए मैं 1 इंच यहाँ पे छोड़ दी हूँ, अब इसको यहाँ से बीच से काटेंगे हम ऐसे। देखिए देखिए ऐसे बीच से हम काटेंगे इसको, नहीं तो पहले से भी ये काट सकते हैं बीच में, बीच से। देखिए ये कट हो गया, देखिए देखिए अंदर एक होल है, देखिए इसी से हम पलटेंगे, ठीक है। अब इसको हम ऐसे, इसको और इसको ऐसे सिलाई करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, देखिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसको ऐसे ऐसे सिलाई करना है। देखिए ये यहाँ यहाँ सिलाई हो गया, और ये ज़्यादा कपड़ा जो बचेगा इसे काट सकते हैं आप।
कटिंग हो गया। अब देखिए ये जो होल है हम छोड़े थे 1 इंच का, ये देखिए अब इसी से हम कपड़ा को ऐसे पलटेंगे, अंदर का हम सारा कपड़ा ऐसे निकालेंगे। देखिए देखिए इससे हम अंदर की सारी फिनिशिंग भी होगी और कपड़े मास दिखने में बहुत अच्छा भी लगेगा। देखिए ये देखिए कोने में कैसे है। तो हम कैंची लेंगे और उसे हल्के हाथ से करेंगे, उसके नोखीले जो होंगे ना कपड़े के वो निकल जाएंगे और देखने में खूबसूरत भी लगेंगे। अब कोई भी ड्रेस के डिज़ाइन हो चाहे ब्लाउज के डिज़ाइन हो, अब ऐसे ही किया कीजिए, देखिए नोखीला निकल जाएगा ऐसे। इधर का भी निकालेंगे, देखिए देखिए हमारा मास्क। अब इसको हम अंदर के तरफ से रख कर सिलाई करेंगे ऐसे। अब इसके चारों तरफ हम सिलाई करेंगे, इसके चारों तरफ ये मिडिल में जो है यहाँ पे सिलाई करेंगे, ताकि वो मास ऐसे हमारे चारों तरफ पूरा सिलाई से वो मजबूत होगा और ऐसे चारों तरफ पूरा कैप की तरह वो लगा रहेगा सिलाई से, जैसे कपड़ा वो ढीला ढीला लग रहा है और सिलाई होने पर वो कड़क टाइप और थोड़ा हो जाएगा। देखिए मैंने ये मिडिल में सिल दिया, अब इसके चारों तरफ हम लोग सिलाई करेंगे। देखिए सिलने पर कैसे खड़ा होकर रह रहा है, ऐसे हमारे मास्क लगाने पर बहुत खूबसूरत लगेगी। देखिए चारों तरफ मैं सिलाई करूँगी। देखिए मैंने ये चारों तरफ सिल दिया है, ये देखिए। अब यहाँ पे हम ऐसे जो इलास्टिक लगाए, कोई धा कपड़ा का लेस टाइप का सी करा है, कुछ भी लगा सकते हैं। देखिए हम ये इलास्टिक लगाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे ऐसे। ये छोटे बच्चों को लगाने के लिए बहुत आसान भी रहेगा और वो को चुभेगा वगैरह नहीं। जैसे हम रबड़ लगाएंगे तो उनके बाल खींच जाते हैं, इसकी वजह से हम इसे ये लगाएंगे। यहाँ पे सिलाई करेंगे, इसको ऐसे लगकर यहाँ पे सिलाई करेंगे। देखिए दो तीन बार सिलाई लगा दीजिएगा ताकि वो सिलाई खुले ना। इसको ऐसे पलट कर ऐसे सिलाई लगा दीजिएगा ऐसे, आपको परेशानी होगी सिलने में तो। देखिए ये एक तरफ सिलाई हुआ है, ये जो निकला है इसको ऐसे सिलाई करना है चारों तरफ। देखिए ये पूरा एक साइड सिक्योर हो गया, ये देखिए अभी जितना खींचो तो नहीं निकलेगा। अब हमें अब दूसरे साइड भी ऐसे ही सिलना है ऐसे ऐसे, इसको भी ऐसे सिलाई करना है। देखिए सिलाई हो चुका है, देखिए बेबी मास्क।
आप इसको हाथ से भी सिल सकते हैं, ये ज्यादा तो नहीं सिलिएगा, बस हाथ से ही सिल लीजिएगा। ये रबर लगाने में बहुत कंफर्टेबल है, इससे बच्चा को ना चुभेगा ना कुछ होगा, वो आराम से पहनेगा बच्चा। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने पहना दिया है मेरे बेटे को, इसके पीछे भी देख लीजिए कितना अच्छा सा है ना, इनके कान में दबेगा ना कुछ दबेगा, जब ये लोग की परेशानी होगी अगर दिक्कत होगा तो इसको ऐसे नीचे खींच देना है, फिर जब ज़्यादा कहीं भीड़ होगा फिर ऐसे आराम से इसे लगा देंगे, लाव लगा देंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे आपको तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, शेयर और लाइक कीजिएगा, और आखिर स्पेशल भी आने वाला है, अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन मेरा आएगा। थैंक यू फॉर वॉच माई चैनल।